दोस्तों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला ब्रिज जिसे हम हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये ब्रिज अपने आप में ही बहुत से रहस्य छुपाए हुए है। मित्रों ये तो आप जानते ही होंगे कि हावड़ा ब्रिज में ना तो कोई नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है और ना ही उसके बीच में कोई पिलर है। और क्या आपको पता है कि आखिर ठीक 12 बजे ही क्यों हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया जाता है? और आज जितने भी व्यक्ति हावड़ा ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से बुलाते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, इस ब्रिज का असली नाम कुछ और ही है। क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। और क्या सच में इस ब्रिज की कोई चाबी भी है? आखिर वह कौन सी चाबी है जिसे आज भी अंग्रेजों द्वारा भारत को नहीं दिया गया? आखिर क्या है उस चाबी का रहस्य? और क्या सच में हावड़ा ब्रिज पर भूतों का साया है? ऐसे कई तमाम रहस्यों से आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाने वाले हैं। अगर आप भी हावड़ा ब्रिज की इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो आप हमारी यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कोलकाता के रसगुल्ले से ज्यादा अगर वहां पर कोई चीज प्रसिद्ध है तो वह है हावड़ा ब्रिज। जब भी कोई व्यक्ति कोलकाता घूमने आता है तो उसे हावड़ा ब्रिज का दर्शन ना कराया जाए, ऐसा भला कहीं हो सकता है? दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, हावड़ा ब्रिज अपने अंदर ही इतनी रहस्यमयी घटनाएं छुपाए है जो हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है। शायद आपको पता होगा कि हावड़ा ब्रिज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तभी तो यहाँ पर विदेश से लोग आकर इसका नजारा देखते हैं। आपको बता दें जितना ये फेमस है उतने ही इसमें रहस्य हैं। देखा जाए हावड़ा ब्रिज को बने हुए तकरीबन 70 से 80 साल तो हो ही चुके हैं, फिर भी आज ये ब्रिज बिना पिलर के वैसे ही खड़ा हुआ है। आपको बता दें इस ब्रिज के दोनों तरफ लगभग 280 फीट ऊंचे पाए बनाए गए हैं। उन पायों पर ही ब्रिज आज तक इतने सालों से टिका हुआ है, यही वजह है कि इस ब्रिज को इतना खास माना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं यह तो बस कुछ ही रहस्य हैं। इस ब्रिज से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि हावड़ा ब्रिज बिना किसी पिलर के माध्यम से दोनों तरफ के किनारों पर बने कुछ पायों के ऊपर टिका हुआ है। जिन पायों पर ये टिका हुआ है उन पायों के बीच की दूरी लगभग 1500 फीट बताई जाती है। जी हाँ, इस 1500 फीट की दूरी के बीच में एक भी खंभा या पिलर मौजूद नहीं है और ये ब्रिज ऐसे ही बिना खंभों के आज तक खड़ा हुआ है। इस ब्रिज के ऊपर देखा जाए तो प्रतिदिन लाखों व्यक्ति और लाखों वाहन गुजरते हैं। प्यारे मित्रों ये तो आप जानते ही होंगे कि कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हुगली नदी पर बना ये हावड़ा ब्रिज पुराने समय में अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। इससे पहले हावड़ा में इस नदी के पास कोई भी ब्रिज नहीं हुआ करता था जिससे लोगों को आवाजाही में बड़ी परेशानी होती थी। फिर लगभग 19वीं शताब्दी में जो भी सरकार यहाँ पर थी उन्होंने इस ब्रिज को तैयार करने की एक योजना बनाई थी। सबसे पहले तो सरकार ने लगभग 22 से 23 लाख रुपए खर्च करके हुगली नदी पर एक पीपे का पुल तैयार करवाया था। जो पीपे का पुल यहाँ पर सरकार ने बनवाया था उसकी चौड़ाई लगभग 62 से 63 फीट थी और इसकी लंबाई लगभग 1828 फीट रखी गई थी। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और अधिक आवागमन की वजह से जो पीपे का पुल यहाँ पर बनवाया गया था वह यहाँ पर अच्छा साबित नहीं हुआ। दरअसल जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो यहाँ पर हावड़ा रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ जिससे इस ब्रिज पर भार बहुत ज्यादा आ गया। तब जाकर सरकार ने हावड़ा ब्रिज को बनाने का निर्णय लिया था। हावड़ा ब्रिज निर्माण कार्य सन 1936 में शुरू किया गया था और यह ब्रिज पूर्ण तरीके से साल 1942 में बनकर तैयार हो चुका था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन भी नहीं हुआ है। जी हाँ, दरअसल जब यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ तब उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसी वजह से इस ब्रिज को उद्घाटन के बिना ही जनता के लिए खोल दिया गया था। हावड़ा ब्रिज के बारे में एक कहावत बड़ी चर्चा में रहती है। आम तौर पर लोग ये सोचते हैं कि आखिर हावड़ा ब्रिज को रात 12 बजे और दिन के 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है।
इसके पीछे की सच्चाई क्या है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ। दरअसल जिन इंजीनियरों ने हावड़ा ब्रिज को बनाया था, उन्होंने ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर कभी भी भविष्य में यह ब्रिज गिरता है तो यह 12 बजे के समय ही गिरेगा। उन्होंने ये नहीं बताया था कि दिन के 12 बजे गिरेगा या रात के 12 बजे गिरेगा। इसीलिए जब भी 12 बजते हैं तो इस ब्रिज को पूर्ण तरीके से कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं है हावड़ा ब्रिज में एक भी पिलर? दोस्तों ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हावड़ा ब्रिज जिसके नीचे एक भी पिलर नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दरअसल ये बात उस समय की है जब 1922 में हावड़ा ब्रिज को बनाने का कमीशन पास हुआ। तब अंग्रेजों की हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियरों से बस इतनी ही डिमांड थी कि हावड़ा ब्रिज में ज्यादा खंभे ना हो, ताकि हावड़ा ब्रिज के नीचे से आने जाने वाले जहाजों को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि हुगली नदी में आम तौर पर रोजाना बड़े बड़े पानी वाले जहाज निकलते रहते हैं। ऐसे में अगर हावड़ा ब्रिज के नीचे पिलर होते ज्यादा तो यहाँ से इन जहाजों का निकल पाना मुश्किल ही होता। इसीलिए अंग्रेजों ने इंजीनियर के सामने ऐसी शर्त रखी कि इस शर्त को देखकर इंजीनियर भी घबरा गए थे। ऐसा हो भी क्यों ना दोस्तों, बिना पिलर के अगर कोई ब्रिज बनाना है तो वह इतना आसान तो होने वाला नहीं। ब्रिज को पूर्ण तरीके से बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 खंबे रखने की परमिशन दी गई थी। ये 4 खंबे ब्रिज के दोनों तरफ लगे होने चाहिए, बीच में एक भी खंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा अंग्रेजों ने इंजीनियर्स से कहा था। यही वजह है कि आज हावड़ा ब्रिज को दोनों तरफ के बने खंबों के ऊपर टिकाया गया था। इस ब्रिज को बनाने के लिए इंजीनियरों ने अपना योगदान दिया हुआ है। इस तरह का योगदान इन्होंने जो दिया है, इसका कोई जवाब नहीं। आज उनकी वजह से ही ये ब्रिज सालों से खड़ा हुआ है। हावड़ा ब्रिज जब बनाया गया था तो इसको बनाने के लिए इसकी मजबूती का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया था। इस ब्रिज को बनाने में टोटल 26.5 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें लगभग 90% स्टील टाटा स्टील कंपनी के द्वारा दिया गया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस ब्रिज को बनाने में हमारे रतन टाटा जी का भी काफी ज्यादा योगदान है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस ब्रिज को बनाने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। शायद यही वजह है कि देश विदेश से लेकर लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस ब्रिज का नाम हावड़ा ब्रिज के अलावा एक और नाम है, आखिर वह कौन सा नाम है? वैसे तो देखा जाए आमतौर पर लोग इसको हावड़ा ब्रिज के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन इसका आधिकारिक नाम है वह दरअसल रविंद्र सेतु है। हावड़ा ब्रिज के बारे में काफी लोगों के अंदर एक दिलचस्प बात और हमेशा रहती है। बहुत से लोग मानते हैं कि इस ब्रिज की एक खुफिया चाबी भी है जो आज भी अंग्रेजों ने भारत को नहीं सौंपी है। इस चाबी को लेकर जो बात प्रचलित है वह दरअसल ये है, लोग मानते हैं कि इस चाबी की मदद से इस ब्रिज को खोला जा सकता है, ताकि इसके नीचे से और भी बड़े बड़े जहाज को गुजारा जा सके। लेकिन आज तक ऐसा संभव तो नहीं हो पाया है, क्योंकि वह चाबी कहाँ है, किसके पास है, इसका कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। मित्रों 75 सालों से कोलकाता की शान रहा हावड़ा ब्रिज आज खतरे में है, और इसे खतरा किसी और से नहीं बल्कि हम नागरिकों से ही है। दरअसल इस ब्रिज से रोजाना लगभग 2 लाख व्यक्ति गुजरते हैं, और ये लोग पान मसाला गुटखा खाकर इस ब्रिज पर थूकते हैं। इसी वजह से इस ब्रिज पर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है और धीरे धीरे ब्रिज में जंग लगने लगा है। यही वजह है कि आज इंजीनियर्स कह रहे हैं कि जिन खंभों पर हावड़ा ब्रिज टिका हुआ है उनकी चौड़ाई अब काफी कम हो गई है। तो आप लोगों से मेरी बस यही गुजारिश है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई हावड़ा ब्रिज पर थूकते हुए दिखाई पड़े तो उसे तुरंत रोक देना। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में हावड़ा ब्रिज को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। मित्रों हावड़ा ब्रिज के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज रात के समय बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। दरअसल रात के समय इस ब्रिज को रंगीन रोशनी के माध्यम से सजाया जाता है, जिससे यहाँ पर जो नजारा होता है वह देखने वाला होता है। हावड़ा ब्रिज को जब बनाया गया था तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया था कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो इसके डिजाइन को
इस तरह से तैयार किया गया है कि बड़े से बड़ा भूकंप इस ब्रिज का बाल भी बांका ना कर पाए। इस ब्रिज की डिजाइन को इस तरह से तैयार किया गया है कि बड़े से बड़े भूकंप के झटकों को ये आसानी से सहन कर सकता है। इसके पीछे विशेष इंजीनियरिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पर कई विनाशकारी घटनाएं भी हो चुकी हैं। एक घटना तो सन 2005 की है। यहाँ पर एक जहाज ब्रिज के पिलर से टकरा गया था, जिससे हावड़ा ब्रिज में थोड़ा बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन आज भी ये ब्रिज ऐसे ही खड़ा है। तो प्यारे मित्रों, ये थे हावड़ा ब्रिज से जुड़े कुछ जरूरी रहस्य जिनको आम व्यक्ति नहीं जानता। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।